दोस्तों ये वेस्ट बंगाल का देखो दुर्गापुर में कैसे भीख मांगता है बच्चे लोगों को, देखो देखो। और दोस्तों अभी मिल गए दोस्तों हम आके धमाका एक ब्रिज, इंडिया का टॉप और सूरत ब्रिज जो दोस्तों गोदावरी कहते हैं हम लोग। और बहुत सारे दोस्तों टीवी में, यूट्यूब में दोस्तों, बहुत सारे भी सोशल मीडिया में आप लोग देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों आज मुझे सामने ही मिल गया गोदावरी डे में। तब दोस्तों बहुत मज़ा आ गया ये नदी में, अभी देखो टोटली। दोस्तों फाइनली मैं निकल गया और कि दोस्तों मैं कि चेन्नई के लिए मैं रेडी हो गया और जाने के लिए मैं जा रहा हूँ दोस्तों। और ये गोसाईगांव हमारा लोकल सिटी का कि मिडिल में से जाना पड़ता है दोस्तों। और ये ओपार ब्रिज फ्लाई ओवर है गोसाईगांव सब डिवीज़न का, और ये ओपार ब्रिज के ऊपर से जाना पड़ता है। बहुत स्वीट सा है ओपार ब्रिज भी, और इधर ये लोग भी गैदरिंग बहुत ज़्यादा करते हैं इवनिंग को, देख रहे हो आप लोग। सो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया हूं और कि ये न्यू अलीपुर की जंक्शन रेलवे स्टेशन में। और दोस्तों मैं चेन्नई में जा रहा हूं दोस्तों, और ट्रेन आने वाले है और 2 घंटे के बाद आ जाएगा। सो दोस्तों और ये कि प्लेटफॉर्म का बाहर का एरिया है जो कि गाड़ी रखने का प्लेसेस है, और इस तरफ है रेलवे स्टेशन जाने का प्लेसेस और द्वार। सो दोस्तों और कि करीब और थोड़ा कि 10 मीटर्स दूरी में है मेरा रेलवे स्टेशन का गेट। और दोस्तों फाइनली इधर देख रहे हो चारों तरफ कि फाइनली आ रहा हूँ, आ गया फाइनली। और दोस्तों अभी मैं जो ट्रेन स्टेशन में जा रहा हूँ तो क्या होगा कैसा होगा पता ही नहीं चला, और लेट्स गो स्टार्ट करें अंदर के तरफ जाके, अंदर के तरफ क्या होगा नहीं होगा पता ही नहीं। और सो लेट्स गो। सो दोस्तों फाइनली आ गया, देख रहे हो बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं दोस्तों। और उस तरफ इस तरफ देखो दोस्तों ट्रेन भी आ गए है, ये कि अपार का ट्रेन है दोस्तों, गुवाहाटी वाला ट्रेन है। ये वो लाइन पर जा रहे हैं जहाँ पे कि अपार असम का कि रेलवे है, ये रह गया और अभी ये चला जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आएगा हमारा ट्रेन जो सैन। गाइस फाइनली ट्रेन आने वाली है और मैं कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और आप लोग देख रहे हो। सो वीडियो करना अलाउ नहीं है दोस्तों, इसीलिए मैं सुबह सुबह के वीडियो बना रहा हूँ। ये रहा दोस्तों वो रेलवे स्टेशन जो क्या कहते हैं कि न्यू अलीपुर द्वार जंक्शन। तो ट्रेन आएगा दोस्तों इस तरफ से, और इस तरफ हम लोग पीछे इस तरफ हम लोग जाएँगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी फाइनली ट्रेन आ रहा है दोस्तों, देखते हैं ट्रेन कैसे आते हैं। तो फाइनली दोस्तों आगे है हमारा ट्रेन, ये आगे है तो हम लोग उठेंगे, रिजर्वेशन में उठेंगे। तो दोस्तों यही रहा हमारा ट्रेन, चेन्नई जाने वाला ट्रेन। तो लेट्स गो, रुकेगा कब, बहुत लंबा है दोस्तों चेन्नई एक्सप्रेस, बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा ही। और ये सब एसी डब्बा सब आगे है, और एसी डब्बा के बाद शायद आएगा अभी आएगा दोस्तों रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन में हम सब जाएंगे, और रिजर्वेशन आने वाला है हमारे। रिजर्वेशन मतलब तो बहुत लंबा होता है दोस्तों, ये सब गाड़ी है मतलब चेन्नई एक्सप्रेस बहुत ही लंबा होता है, और जनरल सब है क्या, जनरल सिर्फ जनरल रिजर्वेशन का पाएगा, रिजर्वेशन का रहेगा ये तो सब टोटली। दोस्तों फाइनली मैं उठ गया हूँ ऊपर के तरफ, देखो दोस्तों मैं कहाँ पे उठा हूँ, जनरल पे या एसी पे दोस्तों, या रिजर्वेशन डब्बा है दोस्तों, ये तो रिजर्वेशन एक डब्बा है, फिर भी दोस्तों ये जनरल से भी डाब दो गुना की भीड़ है दोस्तों। इधर ऐसा क्यों कैसे हो गया है दोस्तों मुझे भी नहीं पता, देख रहे हो चारों तरफ देखो ठीक से देखो, ये जनरल से भी कम नहीं है, जनरल से भी ज़्यादा लोग हो गए हैं, पैर रखने का भी ये प्लेसेस नहीं है दोस्तों, देख रहे हो आप लोग। इधर भी देखो बहुत सारी क्या दिक्कत हो रहा है दोस्तों। और ये दोस्तों फाइनली मैं दुर्गापुर आ गया, इधर दुर्गापुर स्टेशन में दोस्तों देखो एक लड़की भीख मांग रहा है, कैसे पैर पकड़ के भीख मांग रहा है, कभी कभी दोस्तों ये पैसा मांग रहा है दोस्तों, कि लड़का लोगों के पास क्या करता है लड़का लोग देखता हूँ पहले, और ये लड़का लोगों को थोड़ा जो मुझे पैसा ले लिया किसके पास, शायद मुझे भी देख लिया आएगा शायद मेरे पास। और दोस्तों ये देखो फाइनली दोस्तों पैर भी पकड़ लिया, फिर भी पैसा सही 10 रुपीज़ के लिए, इसका मम्मी पापा भी इसे भेज देता है भाई भीख
मांगने के लिए। दोस्तों देखो इसका कि वेस्ट बंगाल का दुर्गापुर स्टेशन है मेरा। दोस्तों हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं दोस्तों, जो विजयवाड़ा कहता है दोस्तों, वो विजयवाड़ा पहुंचेंगे। इससे पहले दोस्तों कुछ मिलेगा आप लोगों को, पहले दिखा देता हूँ ये ट्रेन का। और एक बार व्यू देखो दोस्तों, चारों तरफ ये कि गजब है दोस्तों, बहुत अच्छा है। और देखो ट्रेन का, और एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को दोस्तों, इतना सारा भीड़ है दोस्तों, पहले कभी उठा हूँ तो ऐसे परिस्थिति में दोस्तों। और मुझे लगा था दोस्तों सीट बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन यार सीट तो दूर की बात है दोस्तों, पैर रखने का भी प्लेस नहीं, देख रहे हो आप लोग सो ऊपर में भी। और दोस्तों फाइनली विजयवाड़ा मिलने से पहले दोस्तों एक हिल, बहुत बड़ा हिल मिल गया दोस्तों, बहुत स्वीट सा है ये, कि नाइट हो गया है फिर भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, बहुत स्वीट सा हिल है, दिख रहे हो आप लोग। तो अभी दोस्तों ये विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो है ना, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन फाइनली मैं पहुंच गया। ये देखो दो ट्रेन हमारे साथ ही, और एक ट्रेन जा रहा है, कौन सा ट्रेन है पता नहीं, लेकिन वो भी बहुत अच्छा है। और इधर साइड का हमारा दोस्तों हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं गोदावरी नदी, गोदावरी जो ब्रिज है दोस्तों, फाइनली आ गया गोदावरी नदी। देखो कितना वॉसम है, आप लोग दोस्तों टीवी में देखते हैं, कभी रियल में नहीं देख पाते, इसीलिए दोस्तों मैं पहले ही दोस्तों देख लिया दोस्तों, ये 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा है दोस्तों। फाइनली बहुत सुकून मिल रहा है मुझे आज की, फाइनली कि सामने ही मिल गए, और इसका ऊपर से जाने में बहुत मज़ा आ गया दोस्तों। उस तरफ का जो गोदावरी नदी दिख रहा है दोस्तों, वो है इंडिया का दोस्तों सबसे सूरती और ब्यूटीफुल एक ब्रिज है, जो गोदावरी कहते हैं। चारों तरफ का व्यू भी देख रहे हो, पानी बहुत सारे है दोस्तों, और उस तरफ है कि सिटी, और इस तरफ भी सिटी, मिडिल में गोदावरी नदी। तो दोस्तों गोदावरी नदी में दोस्तों बहुत पानी है, और उस तरफ का कि जो सीन है ना दोस्तों, बहुत ही गजब का होता है। और उस तरफ की जब आसाम जाएंगे तभी मिलेगा उस तरफ। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।